हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। दिस इज चैप्टर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये साइंटिस्ट कौन है? रिचर्ड एबराइट। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, व्हाट डज दिस मीन? वील कम टू नो कि रिचर्ड एबराइट बचपन में कैसे थे, उनका चाइल्डहुड कैसा था, कैसे कैसे धीरे धीरे वो बड़े हुए और एक साइंटिस्ट बन गए, वो क्या क्या क्वालिटीज थी उनकी बचपन से जिनकी वजह से वो एक इतने अच्छे, इतने सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने। ही हैज रिसीव द सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। बचपन में ही वॉज अट्रैक्टेड टू बटरफ्लाइज और इसी फैसिनेशन को, इसी अट्रैक्शन को, इसी क्यूरियोसिटी को वो आगे आगे पढ़ते गए और उसकी वजह से उन्होंने बड़े होकर बहुत ही बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज की और वो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट बने। तो हमें बैकग्राउंड पता चल गई है रिचर्ड एबराइट की, वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि बचपन से ही उनमें क्या क्वालिटीज थी और कैसे कैसे वो अपनी इन क्वालिटीज को बेटर करते गए, इम्प्रूव करते गए और बड़े होकर इतने अच्छे साइंटिस्ट बने। At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. So Richard Ebright was 22 years old when he developed this theory that cells कैसे काम करते हैं। Cell क्या होता है? आप सबने biology में पढ़ा होगा, हर living organism की body का जो smallest part है is a cell। तो ये जो थ्योरी है ये किसने लॉन्च की थी? रिचर्ड एबराइट ने, एंड ही वॉज ओनली 22 ईयर्स एट दैट टाइम एंड ही वॉज अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर। जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे वो एनसीसी या स्काउट्स की जो ट्रेनिंग है वो लिया करते थे और उन्हें स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। आगे बढ़ते हैं। Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. तो Richard Ebright और उनके college के जो roommate थे, इन दोनों लड़कों ने इकट्ठे मिलके ये theory develop की और एक article लिखा और ये article publish हुआ था इस book में, Proceedings of the National Academy of Sciences. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. अब ये जो journal है, Proceedings of the National Academy of Sciences, ये एक बहुत ही important scientific journal है और इस journal में किसी college students का work पहली बार publish हुआ था। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि college students ने इतना बड़ा theory develop किया है जिसे कि इतने important journal ने publish किया है। In sports, that would be like making the big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. Making the big league का मतलब है a group of sports club or team playing matches among themselves. तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी स्पोर्ट की टर्मिनोलॉजी में रिचर्ड एबराइट की अचीवमेंट को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में, 15 साल की उम्र में आप एक होम रन स्कोर करें जब आप पहली बार बैटिंग करें किसी स्पोर्ट्स क्लब के मैच में। होम रन कब हिट होता है? जब आप बेसबॉल खेलते हैं। बेसबॉल एक गेम है, इट्स लाइक क्रिकेट, इट्स ऑल्सो हैज अ बॉल एंड अ बैट, बट थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स होते हैं इस गेम को खेलने के। और होम रन का क्या मतलब होता है? जैसे हम क्रिकेट में सिक्सर मारते हैं ऐसे ही बेसबॉल के मैच में होम रन मारा जाता है। तो अगर कोई नया प्लेयर है जो पहली बार बैटिंग कर रहा है और वो सिर्फ 15 साल की उम्र का है और वो एक होम रन हिट कर दे तो वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। ऐसी ही फीलिंग हुई थी रिचर्ड एबराइट और उनके रूममेट को जब उनका ये थ्योरी इतने इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ था। For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. Richard Ebright ने बाद में बहुत सारी achievements की science में
और ये जो जर्नल में पब्लिकेशन थी ये उनकी अचीवमेंट की पहली सीढ़ी थी. और उनकी ये जो अचीवमेंट्स हैं या उनकी ये जो साइंटिफिक रेवलेशंस हैं ये कैसे शुरू हुई थी? बटरफ्लाइज से. उन्हें बचपन से ही बटरफ्लाइज की तरफ अट्रैक्शन थी. An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. अब रिचर्ड एब्राइट अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड थे. वो कहाँ पर पैदा और बड़े हुए थे? पेंसिल्वेनिया में एक शहर है जिसका नाम है रीडिंग. ये है मैप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. यहाँ पे जो रेड कलर्ड पोर्शन है दिस इज द स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया. यहाँ पर ही एक शहर है जिसका नाम है रीडिंग और यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट पैदा हुए थे और बड़े हुए. और वो कहते हैं कि वहां पर उनके लिए करने के लिए कुछ खास नहीं था. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. अब रिचर्ड एब्राइट वहां पर बिल्कुल अकेले थे इसलिए वो कहते हैं कि जैसे कि मैं अकेला था मैं वहां पर फुटबॉल या बेसबॉल तो खेल नहीं सकता था, लेकिन अकेला होते हुए वो कुछ और कर सकते थे. वो क्या थी? चीजें कलेक्ट करना. अब बहुत सारे बच्चों को अलग अलग चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है. कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है. तो ऐसे ही रिचर्ड एब्राइट भी अपने फ्री टाइम में अलग अलग चीजें कलेक्ट किया करते थे. सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज. अब रिचर्ड एब्राइट एक बहुत ही डिटर्मिंड और बहुत ही हार्डवर्किंग कलेक्टर थे. बचपन से ही जब से वो किंडरगार्टन में थे, केजी में थे, तब से ही वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करने लग गए थे. और इतनी छोटी उम्र से ही उनमें बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन थी जो कि उनकी बड़े होने तक हर एक्टिविटी में दिखाई देती थी. तो छोटे होते से ही वो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिंड थे और बड़े ही अच्छे से, बड़े ही शिद्दत के साथ बटरफ्लाइज कलेक्ट किया करते थे. He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. अब रिचर्ड एब्राइट और क्या क्या चीजें कलेक्ट किया करते थे? पत्थर कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स यानी के डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कॉइन्स कलेक्ट करते थे. वो एक ईगर एस्ट्रोनोमर भी थे यानी कि वो टेलीस्कोप द्वारा रात भर तारों को देखते थे. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. What is a driving curiosity? His curiosity was the driving force behind his becoming a bright man. उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी और ये जो जिज्ञासा है, ये जो curiosity है, ये ही उन्हें drive करती थी, यानी कि motivate करती थी कि वो अलग अलग चीज़ों के बारे में information, knowledge gather करें. और उनका माइंड भी बहुत ब्राइट था. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. और उनकी मदर भी उनकी लर्निंग का जो इंटरेस्ट है, उनका जो शौक है, उसे बढ़ावा देती थी. तो यहाँ से हमें रिचर्ड एब्राइट की कुछ ऐसी क्वालिटीज पता चलती हैं जिनकी मदद से बड़े होकर वो इतने अच्छे साइंटिस्ट बने. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. अब उनकी मदर उनके ऊपर बहुत हार्ड वर्क करती थी, बहुत मेहनत करती थी. उन्हें पता था कि रिचर्ड एब्राइट एक क्यूरियस चाइल्ड है इसलिए वो उन्हें ट्रिप्स पर घूमने लेकर जाती थी. उन्हें इतनी सारी अलग अलग चीज़ें देती थी जिनकी मदद से वो अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा कर सकें. वो उन्हें टेलीस्कोप्स लेकर देती थी, माइक्रोस्कोप्स लेकर देती थी, कैमराज लेकर देती थी इन्हें माउंट करने के लिए, यानी कि ऐसे स्टैंड्स लेकर देती थी जिन पर वो इन चीज़ों को खड़ा कर सकें और फिर इनके द्वारा अपनी रिसर्च कर सकें. तो बचपन से ही आप देखेंगे कि रिचर्ड एब्राइट को एक ब्राइट माइंड मिला, डिटर्मिनेशन मिली, क्यूरियोसिटी मिली और उसे फुलफिल करने के लिए एक इतनी अच्छी मदर मिली जो कि उन्हें इस चीज़ों में और ज़्यादा मदद करती थी, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करती थी. I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him. अब जब तक रिचर्ड एब्राइट स्कूल नहीं गए थे तो उनके ओनली कंपेनियन कौन थी? उनकी मदर. उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगे तो उनकी मदर उनके फ्रेंड्स को भी अपने घर ले आया करती थी. But at night, we just did things together.
Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. तो ये किसने कहा है? ये भी रिचर्ड एब्राइट की मदर की स्टेटमेंट है. वो कहती हैं कि रात के वक्त रिचर्ड और वो दोनों ही घर में हुआ करते थे और आपस में ही अलग अलग चीजें पढ़ते थे, नॉलेज गेन करते थे. फिर वो रिचर्ड को रिची एड्रेस कर रही हैं. दिस कुड बी अ निकनेम. वो कहती हैं कि वो मेरी जिंदगी बन गया था जब से उसके फादर की डेथ हुई थी, जब वो थर्ड ग्रेड में था. तो रिचर्ड एब्राइट के फादर मर गए थे जब रिचर्ड थर्ड क्लास में थे और उसके बाद से वो और उनकी मदर दोनों एक दूसरे के कंपेनियन बन गए थे. शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, आई फाउंड वर्क फॉर हिम. नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, हिज मदर सेड. He liked it. He wanted to learn. Further, उनकी मदर कहती हैं कि हर शाम वो दोनों डाइनिंग रूम के टेबल पर बैठा करते थे और अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे. उनकी मदर कहती हैं कि अगर रिचर्ड एब्राइट के पास करने को कोई काम नहीं होता था तो वो उन्हें काम देती थी. ऐसा काम नहीं जो कि फिजिकल लेबर से इन्वॉल्व है, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना या घर की सफाई करना, बट ऐसा काम जिसमें कि उन्हें अलग अलग चीज़ें लर्न करनी होती थी. वो कहती हैं कि रिचर्ड एब्राइट को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, अलग अलग चीज़ें याद करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उन्हें अलग अलग टास्क देती थी चीज़ें याद करने के लिए. एंड लर्न ही डिड. ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल. ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड. सो रिचर्ड एब्राइट की एक जो मेन क्वालिटी क्या है, उन्हें चीज़ें पढ़ना बहुत पसंद था, चीज़ें याद करना बहुत पसंद था. और बचपन से ही वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे. उनके स्कूल में उनके टॉप ग्रेड्स आते थे. बाकी सब चीज़ों में वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह ही थे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के मामले में वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे. बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन. अब पहले हमने पढ़ा था कि जब से वो किंडरगार्टन में थे वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, और जब तक वो क्लास 2 में पहुंचे उन्होंने बटरफ्लाइज की जितनी भी स्पीशीज हैं, टोटल 25 स्पीशीज जो कि उनके घर के आसपास के एरिया में मौजूद थी, उन्हें कलेक्ट कर लिया था. और यहाँ पर आपकी बुक में भी ये लिस्ट दी गई है उन स्पीशीज और सब स्पीशीज की जो कि रिचर्ड एब्राइट के घर के आसपास रीडिंग पेंसिल्वेनिया में मिलती अवेलेबल थी, जिन्हें कि उन्होंने कलेक्ट किया था. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. Richard Ebright कहते हैं कि जब उन्होंने क्लास 2 में butterflies की 25 अलग-अलग species collect कर ली थी, तो हो सकता है उसके बाद butterflies के साथ जो उनका relation था, interaction था, वो खत्म हो जाता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मदर ने उन्हें एक बुक खरीद के दी जिसका टाइटल था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. मोनार्क एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है. तो उनकी मदर ने भी रिचर्ड के इस इंटरेस्ट को और ज्यादा डेवलप करने के लिए उन्हें बटरफ्लाई से रिलेटेड एक चिल्ड्रन बुक ला कर दी. दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. अब ये जो बुक थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, इस बुक में ये बताया गया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाईज हैं ये सेंट्रल अमेरिका जाती हैं माइग्रेट करके. और ये जो बुक है इसी वजह से रिचर्ड एब्राइट की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई. और अब वो जो बटरफ्लाई सिर्फ कलेक्ट किया करते थे, अब वो उनके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन पाना चाहते थे. एट द एंड ऑफ द बुक Readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. अब कनाडा में एक शहर है टोरंटो, वहां पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. वहां पर एक रिसर्च स्कॉलर थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूर्कहार्ट. उन्होंने बुक के एंड में ये लिखा हुआ था कि रीडर्स अलग अलग बटरफ्लाईज को टैग कर सकते हैं ताकि वो ये चीज़ स्टडी कर सकें कि बटरफ्लाईज कहाँ से कहाँ माइग्रेट करके जाती हैं और क्यों जाती हैं. टैग का मतलब क्या है? छोटे छोटे से स्टिकर्स लगा देना बटरफ्लाईज के विंग्स पर.
जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई के विंग के ऊपर जो व्हाइट कलर का स्टिकर या लेबल लगा हुआ है, दिस इज अ टैग. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart that soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब Ebright की मदर ने भी इनको ये लिखा कि Richard भी ऐसे butterflies को tag करना चाहता है, और उन्होंने भी अलग अलग monarch butterflies के wings पर tags लगाने शुरू कर दिए. और उस बुक में ये भी कहा गया था कि जिसे भी एक tagged butterfly मिलती है वो उस टैग को डॉक्टर यूरखार्ट को भेज देगा. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर. इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, यू वोंट कैच वेरी मेनी. अब एक पर्टिकुलर सीजन है जब बटरफ्लाईज ज्यादा अबंडेंट होती हैं, और तभी बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया जाता है, उसे बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन कहा जाता है. ये 6 weeks तक चलता है और ये लेट समर में शुरू होता है. फर्दर राइटर ये कहते हैं कि अगर कोई एक एक करके बटरफ्लाईज को चेज करेगा, यानी उनके पीछे पीछे दौड़ेगा उन्हें पकड़ने के लिए, तो वो ज्यादा बटरफ्लाईज कैच नहीं कर पाएगा. और फिर यहाँ पर एक टेबल दिया गया है कि कितनी बटरफ्लाईज को इन 6 weeks के सीजन में कलेक्ट किया गया. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट ने इस 6 हफ्तों के सीजन में कितनी स्पीशीज की कौन कौन सी बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. To raise means उन्हें बड़ा करना. Flock of butterflies is a collective noun. A group of butterflies is called a flock of butterflies. अब रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते थे, फिर वो जो एग्स ले करती थी वो उन्हें अपने घर की बेसमेंट में बड़ा करते थे, और उसके सारे लाइफ साइकिल को स्टडी करते थे, कैसे वो एग से कैटरपिलर बनता है, फिर उसमें से प्यूपा डेवलप होता है और फाइनली एक बटरफ्लाई बनती है. इस पूरे लाइफ साइकिल को रिचर्ड स्टडी करते थे. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट. जब ये बटरफ्लाई डेवलप हो जाती थी तो वो उसके विंग के ऊपर एक टैग लगा देते थे और उसे उड़ने के लिए छोड़ देते थे. काफी सालों तक रिचर्ड एब्राइट ने यही किया, वो मोनार्क बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को स्टडी करते थे. इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज. इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड. टीडियस मीन्स अ टायरिंग जॉब. रिचर्ड कहते हैं कि बाद में उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया और उन्होंने बटरफ्लाईज पे टैग्स लगाना बंद कर दिया. ये एक बहुत ही टायरिंग काम भी था और ये करने के बाद उन्हें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली. इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ही लाफ्ड, ओनली 2 बटरफ्लाईज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. तो रिचर्ड कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी बटरफ्लाईज पे टैग लगाए थे उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाईज को वापस पकड़ा गया था, और वो भी उनके घर के पास ही मिली थी, सिर्फ 75 माइल्स की दूरी पर. तो इसलिए उसे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ऐसा नहीं पता चला कि वो माइग्रेट करके कहीं और जाती हैं. इसीलिए रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट खत्म हो गया और उन्होंने टैगिंग करना बंद कर दिया. देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट. काउंटी मीन्स रीजन, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में. अब जब वो 7th class में थे उन्होंने एक रीजनल साइंस फेयर में हिस्सा लिया और वो हार गए. तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि असली साइंस क्या है. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वन समथिंग, एब्राइट सेड. तो अब आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर कितना इंपॉर्टेंट है. जब रिचर्ड ने इस फेयर में हिस्सा लिया उन्होंने कुछ भी नहीं जीता, वो बहुत सैड फील कर रहे थे क्योंकि आसपास जितने भी लोग थे सबने कुछ ना कुछ जीता था. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले.
अब रिचर्ड का एंट्री क्या था, उन्होंने क्या प्रिपेयर किया था, उन्होंने अलग अलग स्लाइड्स बनाई थी जिन पर उन्होंने फ्रॉग की बॉडी के टिश्यूज डिस्प्ले किए थे और लोग उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते थे कि फ्रॉग की जो स्किन के टिश्यूज हैं वो दिखने में कैसे हैं। फेयर के बाद रिचर्ड ने ये रियलाइज किया कि जितने भी विनर्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ना कि सिर्फ कुछ डिस्प्ले किया था, उन्होंने सच में लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। और तब रिचर्ड को ये पता लगा कि असली साइंस सिर्फ चीजें दिखाने में नहीं है, उन्हें वहां पर परफॉर्म करने में है। तो उन्हें ये रियलाइजेशन यहां पर हुई। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई विल हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। अब जब रिचर्ड एब्राइट हार गए तो उनकी जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो जाग उठी और उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगले साल के फेयर में पार्ट लेने के लिए उन्हें एक सच्चा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा और अपना नतीजा उनके सामने रखना पड़ेगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। अब रिचर्ड एब्राइट का सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था? इंसेक्ट्स के ऊपर जो उन्होंने काम किया था, बटरफ्लाइज को जो उन्होंने इतने सालों से स्टडी किया था, इसमें उनकी परफेक्शन थी। सो ही रोट टू डॉक्टर यूर्कहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर यूर्कहार्ट को एक मेल लिखा और उनसे आइडियाज मांगे कि वो किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इंसेक्ट्स से रिलेटेड। और डॉक्टर यूर्कहार्ट ने स्टैक ऑफ सजेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स भेजे। स्टैक मीन्स अ पाइल, यानी कि बहुत सारे। तो जवाब में डॉक्टर यूर्कहार्ट ने उन्हें बहुत सारे अलग अलग आइडियाज दिए। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. अब ये जो सजेशंस और आइडियाज आए थे ये इतने सारे थे, एब्राइट ने इन सब आइडियाज को स्टडी किया, इन सब पर एक्सपेरिमेंट्स किए और वो अपने हाई स्कूल में बहुत बिजी रहे। और इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट्स को जब उन्होंने अलग अलग फेयर्स में, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म किया तो उनकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी प्राइजेस जीत कर आए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिचर्ड एब्राइट ने कितनी मेहनत की इन फेयर्स में प्राइजेस जीतने के लिए। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. अब जब Ebright 8th class में थे तो उन्होंने जो project बनाया उसमें उनका जो topic था वो क्या था? Monarch caterpillars हर कुछ सालों बाद एक viral disease की वजह से मर जाते हैं। उस viral disease का कारण क्या है? एब्राइट ने ये सोचा कि उस डिजीज का कारण बीटल्स हो सकते हैं, बीटल्स आर आल्सो इंसेक्ट्स। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये बटरफ्लाइज बीटल्स से इन्फेस्टेड हो जाती हैं तो इनके कैटरपिलर्स मर जाते हैं। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। अब एब्राइट ने क्या किया, उन्होंने बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को बीटल की प्रेजेंस में रेज किया और उन्होंने देखा कि कैटरपिलर्स को वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ, यानी कि बीटल की मौजूदगी से उन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो एब्राइट ने यही एक्सपेरिमेंट अपने फेयर में भी प्रेजेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्हें प्राइज मिल गया। तो ऑल्दो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये तो नहीं आइडेंटिफाई किया था कि क्या रीजन है इन कैटरपिलर्स के मरने का, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि बीटल्स की वजह से ये कैटरपिलर्स नहीं मरते। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। द थ्योरी वॉज दैट वायसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं Monarch and Viceroy butterfly. This is a Monarch butterfly and this is a Viceroy butterfly. Richard Ebright के next year के science fair का जो project था वो क्या था? उन्होंने इस theory को test करना था कि जो Viceroy butterfly है वो Monarch butterfly को copy करती है। वो क्यों copy करती है? क्योंकि Viceroy butterfly को birds खाती हैं और Monarchs को birds नहीं खाती।
तो बर्ड से बचने के लिए वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की नकल करती, और इसी चीज को रिचर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव करने की कोशिश की. वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. रिचर्ड एब्राइट ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह प्रूव करना था कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज को बर्ड्स खाती हैं क्योंकि उन्हें वो टेस्टी लगती हैं. इसीलिए बर्ड्स के डिनर बनने से अपने आप को बचाने के लिए वाइसरॉयज क्या करती हैं, मोनार्क्स की कॉपी करती हैं, ताकि बर्ड्स को ये लगे कि वो वाइसरॉय बटरफ्लाई नहीं है, वो मोनार्क बटरफ्लाई है और वो उन्हें ना खाएं. एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स. ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग would not eat ordinary bird food. Starling is a common European bird with black-brown spotted plumage which nests near buildings and is a good mimic, यानी कि वो अच्छे से चीजों को कॉपी करती है. ये है एक स्टारलिंग बर्ड. एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था उसमें इन्होंने ये प्रूव करना था कि क्या बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती हैं या नहीं खाती हैं, और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में ये देखा कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो आम बर्ड्स वाला खाना नहीं खाती है. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट. एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क. दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. अब एब्राइट ने अपने इस प्रोजेक्ट में ये शो किया कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो सारी के सारी मोनार्क बटरफ्लाइज को खा जाती है. लेकिन बाद में कई लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स में ये शो किया कि वाइसरॉयज मोनार्क की कॉपी करती हैं. अब रिचर्ड एब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क की कॉपी करती हैं, इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मिला और ओवरऑल सारे के सारे साइंस फेयर में थर्ड रैंक मिला. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब जब Richard Ebright high school के second year में थे, तब उन्होंने research की insect hormones पर, और उन्होंने अलग-अलग insect hormones की discovery की, और उनकी इसी discovery की वजह से उन्होंने ये theory develop की cells के बारे में. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? What is a monarch pupa? हमने अभी देखा था कि butterfly की life cycle के 4 stages होते हैं. सबसे पहले वो egg ले करती है, फिर वो egg develop होकर caterpillar बनता है, caterpillar pupa बनता है, फिर से finally butterfly बनती. तो Richard Ebright ने अपने इस project में ये बताने की कोशिश की कि मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा के ऊपर जो टाइनी गोल्ड कलर के स्पॉट्स हैं वो क्यों हैं, उनका क्या पर्पस है. एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड, बट डॉक्टर यूर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट. एब्राइट कहते हैं कि सब लोग यही सोचते थे कि ये जो स्पॉट्स हैं ये ऑर्नामेंटल हैं, ये सजावट के लिए हैं, ये डेकोरेशन के लिए हैं, लेकिन इनका कोई और पर्पस नहीं है. लेकिन डॉक्टर यूर्कहार्ट इस चीज को बिलीव नहीं करते थे. उनका ये मानना था कि इनका बटरफ्लाई की डेवलपमेंट से कुछ रिलेशन है. टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट. एब्राइट अपने एक और दोस्त के साथ मिल गए. उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसकी मदद से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि इस प्यूपा के ऊपर जो ये गोल्ड कलर के स्पॉट्स हैं ये बटरफ्लाई में एक हार्मोन डेवलप करते हैं जिसकी वजह से वो डेवलप होती है और बड़ी होती है. दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. अब एब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था ये एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोजेक्ट था और इसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिली और वहां पर जूलॉजी कैटेगरी में उन्होंने थर्ड प्लेस जीती. ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लैब ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च.
अब जब रिचर्ड एब्राइट को इंटरनेशनल साइंस फेयर में हिस्सा लेने का मौका मिल गया तो साथ ही साथ उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में भी काम करने का मौका मिला। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी थी जहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट अवेलेबल था उनकी रिसर्च के लिए। एज द हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब रिचर्ड एब्राइट को अपनी क्यूरियोसिटी फुलफिल करने का मौका मिला और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा के ऊपर। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during the summer. उस साल Richard Ebright के project को International Science Fair में first prize मिला और एक बार फिर से उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में इस laboratory में काम करने का मौका मिला। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. Now, what is a culture? Culture means aap ek maintained temperature mein, ek regulated temperature mein kisi cheez ko develop ya grow karte hain. Ab apne senior year mein, high school ke final year mein, Richard Ebright ne kya kiya? उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उन्हें एक कल्चर में यानी कि एक रेगुलेटेड एरिया में टेम्परेचर में बड़ा किया और ये बताया कि उनके जो सेल्स हैं वो तभी ग्रो करेंगे तभी बढ़ेंगे जब उन्हें एक पर्टिकुलर हार्मोन मिलेगा जो कि ये गोल्ड स्पॉट्स रिलीज करते हैं। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. Richard ke is project ke liye unhe zoology category mein first prize mila at the international fair. Uske baad ki jo garmiyon ki chuttiyan thi unhone Army Laboratory mein aur kaam kiya aur saath hi saath US Department of Agriculture ki laboratory mein bhi research work kiya. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. अब Richard Ebright को Harvard University में admission मिल गया था और freshman यानी कि first year के बाद जब उनकी गर्मी की छुट्टियां आई तब वो एक बार फिर से Department of Agriculture की lab में गए और इन gold spots का और research किया. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. Sophisticated means well-made. तो Richard Ebright ने US Department of Agriculture की lab की जो अच्छे अच्छे instruments थे उनकी मदद से ये identify किया कि इस hormone का chemical structure क्या है. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. डेढ़ साल के बाद जब Ebright junior year में थे तब उन्हें ये idea मिला कि cell life की कोई theory है. उन्होंने ये identify किया कि हर organism की अंदर एक cell है और ये चीज उन्हें कब पता चली? वो इस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटो देख रहे थे. आपने कभी एक्सरे फोटो देखी होगी, ह्यूमन बॉडी की बोन्स की भी एक्सरे फोटो निकलती है, ऐसे ही उन्होंने इस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटो देखी और तब उन्होंने रियलाइज किया कि सेल्स होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में. व्हेन ही सॉ दोस फोटोज Ebright डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट. Eureka means a cry of triumph at a discovery originally attributed to Archimedes. Archimedes एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और उन्होंने जब भी विजय पाई तो वो Eureka बोलते थे, यानी कि आप अपनी विक्ट्री को अनाउंस कर रहे हैं. जब Richard Ebright ने ये एक्सरे फोटोज देखी तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles. How the cell can read the blueprint of its DNA. जब Richard Ebright ने ये एक्सरे फोटोग्राफ्स को देखा तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि उन्हें इंसेक्ट्स के हॉर्मोन्स के बारे में तो पता चला ही है लेकिन साथ ही साथ बायोलॉजी के एक बहुत ही बड़ी उलझन उन्होंने सुलझा दी है. वो उलझन क्या थी?
कि सेल डीएनए को कैसे पहचानता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और वो ही ये बता सकता है कि ये जो सेल है ये किस ऑर्गेनिज्म का सेल है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये जानवर है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। यहाँ पर आप देखिए, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए, और ये जो डीएनए है यही डिटरमिन करता है कि ये सेल किस ऑर्गेनिज्म का है। और जब एब्राइट इन एक्सरे फोटोज को देख रहे थे तब उन्हें ये पता चला कि सेल डीएनए को कैसे पहचानता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ब्लूप्रिंट मींस अ डिजाइन प्लान और अ टेक्निकल ड्रॉइंग। जैसे आर्किटेक्ट्स किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका डिजाइन पेपर पर बनाते हैं, उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। रिचर्ड एब्राइट ने रियलाइज किया कि जो डीएनए होता है यही हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, यही हमें फीचर्स देता है जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए है यही आइडेंटिफाई करता है कि जो सेल है उसका फॉर्म और फंक्शन कैसा होगा। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है। डीएनए ही ये बताता है कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। अब रिचर्ड एब्राइट के कॉलेज रूममेट का नाम है जेम्स आर वोंग। दोनों ने मिलकर सारी रात ड्राइंग पिक्चर्स बनाई, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए और ये बताया कि ये कैसे हो सकता है, और फिर उन्होंने अपनी इस थ्योरी को एक पेपर में लिखा। सरप्राइजिंग नो वन हू न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। जो लोग रिचर्ड एब्राइट को जानते थे वो हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि रिचर्ड एब्राइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, और वो अपनी क्लास में सेकंड थे। उनकी क्लास की स्ट्रेंथ थी 1510, तो इतने बच्चों में से रिचर्ड एब्राइट को सेकेंड रैंक मिला। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। There he began doing experiments to test his theory. Richard Ebright, Harvard Medical School में एक graduate researcher बने, और वहाँ पर भी वो अपनी theory को test करने के लिए अलग अलग experiments करते रहते थे। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. अगर रिचर्ड एब्राइट की ये जो थ्योरी है ये सही हो जाती तो वो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ सकते थे, और इसीलिए उनकी ये जो स्टडी है इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। तो यहाँ पर अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट इतने अच्छे, इतने सक्सेसफुल साइंटिस्ट कैसे बने। उनके अंदर एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी बचपन में ही, जो उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा के ऊपर गोल्डन कलर के स्पॉट्स का क्या पर्पस है। ये क्यूरियोसिटी डॉक्टर यूकहार्ट ने अपनी बुक द्वारा और ज़्यादा बढ़ा दी। इसी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते करते रिचर्ड एब्राइट ने ये थ्योरी डेवलप कर दी कि सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये भी बता दिया कि सेल्स का स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डीएनए। रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। बचपन से ही रिचर्ड एब्राइट को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो इतना भी डीपली इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो और चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप ना कर सके। तो साइंस के अलावा उनके और भी इंटरेस्ट थे।
Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-around outdoor person. Canoeist is a person who paddles a canoe, which is a light boat. तो रिचर्ड एब्राइट एक बहुत ही अच्छे डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे और उन्हें कैनो चलाना बहुत अच्छे से आता था और वो एक आउटडोर पर्सन भी थे, ऑलराउंडर थे। तो रिचर्ड एब्राइट सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो वन ट्रैक सिर्फ बटरफ्लाइज ही नहीं इकट्ठा करते थे, उसके अलावा वो और बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। रिचर्ड एब्राइट को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है, वो नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की फोटोग्राफी भी करते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। बिकॉज हिज लर्निंग वॉज ईजी, ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। अब रिचर्ड एब्राइट पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनके लिए पढ़ाई बहुत ईजी थी, इसी वजह से वो और बहुत सारी एक्टिविटीज में अपनी एनर्जी लगाते थे। उन्हें डिबेटिंग करने का और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब को ज्वाइन करने का बहुत क्रेज था और वो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से कर लेते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वीरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। मिस्टर वीरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट सेड। अब रिचर्ड एब्राइट किसी को एडमायर यानी कि पसंद करते थे, वो थे उनके सोशल स्टडीज के टीचर रिचर्ड वीरर। एब्राइट कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्हें परफेक्ट लगते थे और वो उन्हें बहुत अलग अलग आइडियाज दिया करते थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वीरर सेड। व्हाट प्लीज मी वॉज, हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट। मिस्टर वीरर रिचर्ड एब्राइट के लिए कहते हैं कि वो हमेशा हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करते थे। वो कहते हैं कि मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि रिचर्ड एब्राइट डिबेट के ऊपर भी मेहनत करते थे। रात को 3-4 घंटे लगाकर वो अपने डिबेट का टॉपिक तैयार करते थे और साथ ही साथ बटरफ्लाइज पे अपनी रिसर्च भी करते रहते थे और अपने बाकी इंटरेस्ट को भी फॉलो करते रहते थे। तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, हर चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे और यही चीज उनके टीचर को बहुत पसंद थी। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वीरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। ही एक्सप्लेन्ड, रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। मिस्टर वीरर कहते हैं कि रिचर्ड में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी थी लेकिन बुरी तरह से नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो जीतना चाहते थे या फिर वो प्राइज लेना चाहते थे, लेकिन वो कम्पीट करते थे ताकि वो एक्सेल कर सके, ताकि वो अच्छा काम कर सके। Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wanted to be the best. So, he didn't want a prize, he didn't want to be better than someone else, but he wanted to improve upon himself and that is why he wanted to win and he wanted to compete with others. And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with the first-rate mind, add curiosity, and mix in the will to win for the right reasons. Ebright has these qualities. Now, which are the three qualities which have made Richard Ebright a good scientist? Firstly, unka mind bahut acha hai, is very intelligent. Secondly, scientific curiosity. And thirdly, the will to win, competitive spirit for the right reasons. All these three things made him such a good scientist. From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. तो एक बार जब रिचर्ड एब्राइट ने ये बुक पढ़ी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एस, इस बुक के द्वारा उनके अंदर जो साइंस की क्यूरियोसिटी जागी वो कभी भी खत्म नहीं हुई। वो उसे फर्दर करते गए, उसको स्टडी करते रहे, एनालाइज, और इसी स्टडी की वजह से, इसी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी साइंटिफिक थ्योरी डेवलप की। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे रिचर्ड एब्राइट एक छोटे से बच्चे से बड़े होकर इतने बड़े, इतने महान साइंटिस्ट बने। सो वी ऑल मस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट इज हेल्पफुल टू यू। For more videos, please subscribe to our channel, English Academy.